नतीजे स्टॉक रेडार पर भी रहेगा। कैसे रहेंगे नंबर्स एक बार समझते हैं। कुशल बताइए क्या है अनुमान भारतीय एयरटेल के लिए? बिल्कुल दीप, आप देखिए नंबर्स के लिहाज से तो अच्छी आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ हाइक्स लिए थे कंपनी में, वो उसका जो फायदा है वो इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और अच्छे तरीके से देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर रेवेन्यू फ्रंट पर करीबन 6.9% की ग्रोथ के साथ 41,150 करोड़ पर कंपनी की आय रह सकती है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ कंपनी की एबिटा लेवल देखें तो यहाँ पर भी जो लेवल्स हैं करीबन 11.5% की ग्रोथ हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। मार्जिन 51.2% के मुकाबले 53.5% इस बार ही एक्सपेक्टेड है। साथ ही कंपनी का जो रिपोर्टेड मुनाफा है वहां पर तो 11% की ग्रोथ रहेगी। एडजस्टेड बेसिस पर यहां पर अच्छा खासा इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। आरपू के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहां पर 211 रुपए से बढ़कर 232 रुपए इस बार हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 10% का उछाल आपको आरपू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहां पर जो नंबर्स है इसमें जो टैरिफ हाइक्स है वो और फैक्टर इन होते हुए दिखेंगे। इंडिया वायरलेस सेगमेंट करीबन 11% क्यूओक्यू बेसिस पर बढ़ सकता है। ओवरऑल इसकी जो रेवेन्यू फ्रंट है, एयरटेल अफ्रीका भी करीबन 1% से बढ़ने का अनुमान है, एंड लार्जली ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन वायरलेस यूजर्स यहां पर नेट लेवल पर जुड़ते हुए भी दिख सकते हैं। तो ये सब कमेंट्री है जो भारतीय एयरटेल से एक्सपेक्टेड है। देखना होगा कि यहां पर क्या फाइनल नंबर्स निकल कर आते हैं, लेकिन ओवरऑल नंबर्स के पर्सपेक्टिव से तो अच्छा ही लग रहा है। अब देखते हैं कैसी रहेगी परफॉर्मेंस। स्टॉक में भी कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं देख रहे हैं, यहाँ से बाजार में बिल्कुल स्टेबल है भारतीय एयरटेल। चार्ट्स पर बात करेंगे एक बार, पहले शरद जी से राय लेते हैं भारतीय एयरटेल काउंटर पर। शरद जी क्या व्यू है? अब देखिए नंबर्स तो ठीक ठाक ही रहने चाहिए, जैसा कुशल भी बोल रहे थे आरपूज में इम्प्रूवमेंट है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनीज के लिए जो फाइबर टू होम है वो नया ट्रिगर है। मैं लगता है अभी भी बहुत सारी अनमेट डिमांड है इंडिया में, टायर वन सिटीज़ में शायद उतनी नहीं, बट टायर टू सिटीज़ में, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज या बड़े प्लेयर्स के डोमिनेशन की बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो जैसे जैसे वो प्ले आउट होता है मुझे लगता है ये सेकंड लेग होगा ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनीज के लिए। मोबाइल के बियॉन्ड जाके FTTH जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन करता है। कैसे वो ग्रेजुअली प्ले आउट होता है वो देखना पड़ेगा। जहाँ तक वैल्यूएशंस का भी सवाल है, ऑलरेडी लगभग 50 टाइम फॉरवर्ड पर ट्रेड कर रहा है। चूँकि हमारा व्यू है कि बाजार मोटा मोटी ऑप्टिमिस्टिक रहने चाहिए अगले 3-4 महीने, तो हो सकता है आपको मार्केट लिंक रिटर्न 10-15% जैसे मिले। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है 40-45 टाइम पे लगभग फेयरली स्क्वायरली वैल्यूड है, अनलेस एंड अंटिल बहुत बड़ी री रेटिंग आती है नंबर्स में, जिसकी गुंजाइश यहाँ से कम लगती है, क्योंकि 5G वगैरह की मोनेटाइजेशन में थोड़ा सा समय लगेगा। ग्रोथ रेट्स वगैरह डिसेंट रहनी चाहिए, 30-40% जैसी ग्रोथ रेट रहनी चाहिए अगले 2-2.5 साल में। तो बट 40 के मल्टीपल पे मुझे लगता है फेयरली प्राइस्ड है, बहुत ज़्यादा अपसाइड आपको नहीं मिलेगी, बट बाजार के साथ की मूवमेंट 15-20% आपको मिल सकती है।